अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है डज इट लुक द सेम। डज इट लुक द सेम, क्या ये एक जैसा दिखाई दे रहा है या एक जैसा लग रहा है। तो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड आउट विच लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट लुक द सेम आफ्टर हाफ ए टर्न। फाइंड आउट, आप देखिए, आप जानिए, मालूम कीजिए कि इंग्लिश अल्फाबेट यानी ए टू जी कौन सा अल्फाबेट वैसा ही दिखाई देगा या सेम दिखा उसी तरह दिखाई देगा जिस तरह से वो हाफ टर्न के बाद, यानी अगर हम उसका आधा टर्न करेंगे उसके बाद वो एक जैसा दिखाई देगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने ये बना रखा है, अगर हम यहाँ पे एक अल्फाबेट सपोज जी को रखते हैं, ये अपनी पोजीशन है जी की, तो यहाँ पे हमने टर्न, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक अगर टर्न होता है तो हम कहते हैं कि वन बाई, हमने एक सर्कल बना के रखा है, इसको हमने डिवाइड किया है 1/4 हिस्सों में, अगर हम 1/4 इसको घुमा देते हैं तो इसको हम 1/4 टर्न कहते हैं, अगर आधा इसको घुमा देते हैं यानी यहाँ तक ये पहुँचता है तो हम इसको हाफ कहते हैं, यानी जितना एरिया ये कवर करता है, अगर तीसरा 3 हिस्से ये कवर करता है तो हम कहते हैं ये इसका 1/4 टर्न, 3/4 टर्न, ठीक है। और अगर ये बराबर इसको मूव करते हैं फिर से अपनी पोजिशन पे पहुंचता है, हम इसको हाफ फुल टर्न कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे ए टू जी यानी यहाँ पे अल्फाबेट्स के कुछ कार्ड्स बना रखे हैं। यहाँ पे ये जो ए है, अल्फाबेट ए, तो एक जगह मैंने यहाँ पे एक डॉट रखा है, यानी एक आप समझिए एक निशान रखा है। अगर अपनी पोजीशन में ए ऐसे है, क्या ये हाफ टर्न करने पर बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा। तो प्यारे बच्चों, मैं ये इसके बीच में रखता हूँ, यानी ये एरो जो मैंने यहाँ पे डॉट डाला है ये मैंने फुल टर्न पे रखा है, यानी ये अपने ए की असली पोजीशन है। अगर मैं इसको घुमा देता हूं यहां तक तो ये इसकी 1/4 टर्न हो जाती है, और अगर मैं इसको घुमा देता हूं बराबर, ये हो गया इसका हाफ टर्न। क्या ये अल्फाबेट ए और ये हाफ टर्न के बाद जो ए है, क्या ये सेम दिखाई दे रहा है, यस या नो? नो, ये और ये इसमें फर्क दिखाई दे रहा है क्योंकि ये अब ए नहीं रहा, क्योंकि इसकी पोजीशन ए की अभी नहीं दिखाई दे रही है। तो इसको हम साइड में रखकर अब हम देखते हैं बी। ये देखिए बी, इसकी टर्न ये हमने किया 1/4 टर्न, ओके, और ये हमने किया हाफ टर्न। क्या ये बी, अगर हम बी यहां पे लिखेंगे, क्या ये और ये सेम दिखाई दे रहा है, यस आर नो? शाबाश, नो, क्योंकि ये जो बी है, बी की शेप जो यहां पे बनी है, इस और इस शेप में फर्क हमें लग रहा है, तो बी अल्फाबेट बी भी सेम नहीं दिखाई दे रहा। अब हमने एक और यहां पे अल्फाबेट रखा है सी, ओके, तो सी को अगर हम टर्न करते हैं, ये हो गया हाफ टर्न, ये हो गया 1/4 टर्न, ओके, और ये हुआ हाफ टर्न, तो ये भी सी नहीं अब लग रहा है। कि लग रहा है? नो, इस और इसमें फर्क है, ठीक है। इसी तरह से डी देखिए, आप भी ट्राई कीजिए, खुद बनाइए, ओके।
नो, हाफ टर्न के बाद ये भी डी नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, ई ये भी नहीं दिखाई देगा। अब हमें अंदाजा लग रहा है कि कौन सा अल्फाबेट सेम लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा है। एफ ये हुआ 1/4 टर्न, ये हुआ हाफ टर्न। ओके, शाबाश। जी 1/4 टर्न, ओके ये हुआ हाफ टर्न। हाँ ये हुआ एच। हमने ये एच है, एच की ओरिजिनल पोजीशन, असली पोजीशन एच इस ऐसा ऐसा होता है। तो अगर हमने एच को 1/4 पोजीशन दी तो सेम नहीं लग रहा है कि लग रहा है नहीं। अब अगर हमने इस एच को हाफ पोजीशन दी, क्या ये सेम लग रहा है? हाँ, हाफ टर्न के बाद यस। तो पहला अल्फाबेट हमारे पास है, हम यहाँ पे लिखेंगे एच। ठीक है, एच को हम साइड में रखते हैं। ओके, आई आई हमने आई को 1/4 टर्न दी और ये 1/4 टर्न दी। हाँ, क्या ये सेम लग रहा है? यस, ये सेम। ठीक है, तो आई ये दूसरा अल्फाबेट 1/4 टर्न, 1/2 टर्न के बाद ये भी सेम ही दिखाई दे रहा है। जे ये देखिए, जे यहाँ पे मैं जे लिखता हूँ, क्या जे सेम लगेगा? ये 1, नो, तो जे नहीं आता है। के ठीक है, तो के आइस हम ऐसे लिखते हैं, क्या ये सेम लग रहा है? नो। एल 1/4 टर्न और ये 1/2, ये हो गया हाफ टर्न। तो एल तो 7 बन गया। अगर एल ऐसे होता है, अगर वहां हाफ टर्न इसको हम देंगे तो ये एल 7 बन जाता है, तो ये भी नहीं आता है। एम ये एम देखिए, एम ये हुआ 1/4 टर्न, ठीक है, ये हुआ हाफ टर्न। एम तो हाफ टर्न के बाद डब्ल्यू लगता है, तो एम भी हाफ टर्न के बाद सेम नहीं होता। ठीक है, एन ये हुआ एन, ये 1/4 टर्न, ये हो गया हाफ टर्न। यस, एन तो हमारे पास एन अल्फाबेट हाफ टर्न के बाद सेम लगता है। ठीक है, ओ देखिए, हाफ टर्न के बाद ओ सेम ही है। ओके, तो हम एक और अल्फाबेट हमारे पास ओ आता है, पी हाफ टर्न के बाद 1/4 टर्न, ये हुआ हाफ टर्न, तो पी भी इसमें नहीं आएगा। क्यू भी खा 1/4 टर्न और ये हो गया हाफ टर्न, नहीं, क्यू भी नहीं आता। आर इसको भी आप साइड में रखें, आर भी नहीं आएगा। एस एस ठीक है, 1/4 टर्न, ये ओरिजिनल पोजीशन में है, असली पोजीशन में, ये 1/4। अगर हम एक और टर्न देंगे तो 1/2 टर्न में एस, तो एस हमारे पास एक और एस। टी हाफ टर्न, 1/4 टर्न, हाफ, टी भी नहीं आता। यू यू भी नहीं आएगा। ठीक है,
वी वन फोर टन हाफ टन, क्या ये आएगा? नहीं। डब्ल्यू डब्ल्यू वन फोर टर्न, ये हुआ हाफ टर्न, हाफ टर्न में डब्ल्यू एम बन जाता है, तो ये भी नहीं आता। एक्स एक्स वन फोर्थ टर्न, ये हुआ हाफ टर्न, तो द एक्स ये भी आता है। ठीक है, वाई वाई वन फोर्थ टर्न हाफ टर्न, नो वाई भी नहीं आएगा। जी, ये जेड है, तो ये हुआ वन फोर्थ टर्न, ये हुआ हाफ टर्न, तो जेड। तो प्यारे बच्चों, इंग्लिश अल्फाबेट्स में टोटल जो वर्ड्स अल्फाबेट्स जो है वो एच आई एन ओ एस एक्स जी, तो 1 2 3 4 5 6 7, अगर हाफ टर्न हम इंग्लिश अल्फाबेट्स को देंगे तो उनमें से 7 अल्फाबेट्स ऐसे हैं जो सेम दिखाई दे रहे हैं। ओके, अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, विच इंग्लिश वर्ड्स रीड द सेम ऑन हाफ ए टर्न, विच इंग्लिश वर्ड्स। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, विच इंग्लिश वर्ड्स रीड्स द सेम आफ्टर हाफ ए टर्न। हमारे पास, हमने यहाँ पे बुक पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, अगर हम इन वर्ड्स को हाफ ए टर्न देंगे, इनमें से कौन सा वर्ड ऐसा ही दिखाई देगा हाफ टर्न के बाद भी सेम उसको पढ़ा जाएगा, यानी उसको उसी तरीके से पढ़ा जाएगा जिस तरह से इसे, जैसे कि हमारे पास जूम, मो, स्विम्स, सिस और नून, ये हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। तो अगर हम जूम को टर्न देंगे, सपोज ये जूम, अगर हम इसको वन फोर्थ टर्न देंगे तो क्या हम इसको पढ़ सकते हैं? नहीं। अगर हम इसको हाफ टर्न देंगे तो हाफ टर्न के बाद ये जो जूम है इसको जूम नहीं पढ़ा जाएगा, इसको मोज पढ़ा जाएगा, जाट ओ एम जूम, डब्ल्यू ओ जाड मोज, तो मोज इसको पढ़ेंगे, तो ये अल्फाबेट इसको हम कहें इसको सेम नहीं पढ़ा जाएगा, इसको नो लिखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास मो है, मो ये देखिए, अगर हम इसको मो, ये हुआ मो, ठीक है, तो अगर हम इसको वन फोर्थ टर्न देंगे तो इसको हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर हम इसको हाफ टर्न देंगे आफ्टर हाफ टर्न, ये फिर से मो पढ़ा जाएगा, तो हम इसको कहेंगे यस, इसको सेम पढ़ा जा सकता है। ओके, अब हमारे पास एक और यहाँ पे है स्विमर्स, एस डब्ल्यू आई एम एस स्विमर्स, स्विमर्स ये अपने पोजीशन में इस तरह से है, इसको स्विमर्स पढ़ते हैं। ओके, अगर हम इसको 1/4 टर्न देंगे तो इसको नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन अगर हम इसको हाफ टर्न के बाद इसको फिर से स्विमर्स ही पढ़ा जाएगा, सेम लग रहा है ना, सेम पढ़ा जाता है, एस डब्ल्यू आई एम एस एस डब्ल्यू आई एम एस, तो इसको भी हम यस कहेंगे। ओके, तो इसके बाद हमारे पास है सिस, तो अगर हम इसको 1/4 टर्न देंगे तो ये सिस नहीं पढ़ा जाता, लेकिन अगर हम इसको 1/2 टर्न देंगे तो इसको फिर से हम सिस पढ़ सकते हैं, एस आई एस एस आई एस, तो इसको भी हम यस लिख सकते हैं। ओके, तो हमारे पास अब है लास्ट नून,
अगर हम इस नून को 1/4 टर्न देंगे तो नहीं पढ़ा जाता, लेकिन अगर हम इसको 1/2 टर्न देंगे तो इस ये दोबारा से पढ़ा जाता है, एन ओ है नून, एन ओ है नून। ओके, तो प्यारे बच्चों आपने अब समझा, अब ये जो यहाँ पे आपने समझा किस तरह से हमने टर्न्स दिए, किस तरह से हमने ये समझाने की कोशिश की है। आप अब आपको क्वेश्चन नंबर 3, गिव ए हाफ ए टर्न टू नंबर्स 0 to 9, फाइंड विच ऑफ सिटल लुक इज द सेम। आपको 0 से 9 तक आपको जो नंबर्स है उनको हाफ टर्न देकर मुझे बताना है कि कौन सा नंबर उसके बाद सेम दिखाई देगा, हाफ ए टर्न। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 ये हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। ओके बाय।